प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। 9 नवंबर 2019 आज की तारीख भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इससे बड़ी तारीख भारतीय इतिहास के काल में कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज राम मंदिर पर जो फैसला सुनाया गया है वो काफी ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना गया है और कहा गया कि वहां पर विशाल मंदिर था और हिंदू संगठनों द्वारा यह कहा गया था कि उसी मंदिर के बीचों बीच का जो स्थान था, जो गुंबद था, वहीं पे भगवान श्री राम का उस चबूतरे पर जन्म हुआ था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और इसके खिलाफ में पेश किए गए सभी दस्तावेजों को और सभी दावों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा, उसको जो दावा किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसके बाद शिया वक्फ बोर्ड को खारिज किया गया, उसके बाद दो जो पक्षकार बच गए जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान थे, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया और उनका भी दावा खारिज कर दिया गया। तो आइए हम जानते हैं कि रामलला विराजमान पर होने वाला ये पूरा जो केस वो कहां से और कैसे चला। 1528 में मीर बाकी द्वारा मुगल आक्रांता बाबर के कहने पर और उसके आदेश पर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1611 में अंग्रेज भ्रमणकारी विलियम फिंच द्वारा बाबरी मस्जिद का भ्रमण किया गया एवं उसका अवलोकन किया गया। इसके बाद 1717 में राजपूत राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा मस्जिद के मालिकाना हक से वो जमीन खरीद ली गई एवं हिंदुओं को वहां पर पूजा अर्चना आराधना करने की आज्ञा दी गई। लेकिन आगे यह मामला और गर्माता गया और 1853 में एक सांप्रदायिक दंगों का रूप इसने लिया और आगे चलकर फिर जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़े, जो हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को दर्शाता है। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1949 से यह माहौल वापस गर्माता गया और इस पर वापस सुर्खियां आने लगी। 1961 एक केस दायर किया गया हिंदू संगठनों द्वारा जिसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद पर जबरदस्ती एवं जबरन मालिकाना हक जताया। लेकिन इसके बाद 1986 में मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिए गए, लेकिन इसका जमकर विरोध किया गया और 1989 में हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी को अपना हक बताया। लेकिन इसके विरोध में कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें भागलपुर का जो दंगा है उसने बहुत सुर्खियां बटोरी और बहुत ही जान माल का नुकसान। आगे चलकर 1990 में सभी लोग एकत्रित हुए जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह जैसे बीजेपी के बड़े बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। आगे चलकर आडवाणी जी की अगुवाई में 1991-92 में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया और इसके बाद बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और पूरे देश में एक के बाद एक दंगे होना शुरू हुए और इसने एक बहुत ही राजनीतिक रूप ले लिया जो आगे चलकर एक बहुत ही भयंकर रूप इसने धारण किया। लेकिन 1999 में करगिल के युद्ध में हिंदू और मुस्लिम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और पाकिस्तान को जमकर हरा और बहुत हुआ। तो एक और उदाहरण है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के एक घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिबर हान समिति का गठन किया गया। इस समिति को 1993 में पूर्णतः स्वतंत्र छूट दी गई और रिपोर्ट पेश करने के लिए जब इसके 10 साल पूरे हुए तो
2002 में इसकी प्रतिक्रिया में गोटरा दंगे हुए जिससे हम सब बात करते हैं। सन 2010 में इलाहाबाद कोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया जिसमें विवादित भूमि को तीन भागों में बांटा और तीन भागों में बंटने के बाद यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना गया है एवं इलाहाबाद कोर्ट के 2010 के फैसले को खारिज कर दिया जा चुका है जिसमें कहा गया है कि वहां पर एक विशाल राम का मंदिर था और भगवान श्री राम का मंदिर हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेन स्ट्रीम से बाहर रखने से मना कर दिया और कहा है कि यह हिंदुओं की आस्था का विषय है जिसको तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यूपी से हमारे संवाददाता अमरेश प्रजापति हमसे जुड़ चुके हैं और इसी के साथ यूपी से हमारे संवाददाता अमरेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेश जी बताइए वहाँ पर क्या व्यवस्था है और धारा 144 पर कानून व्यवस्था क्या कह रही है वहाँ पे? सर अभी यहाँ की जो पुलिस प्रशासन और एसपी महोदय जिला अधिकारी महोदय बहुत ही एक्टिव हैं और जितने भी कानून व्यवस्था है पुलिस के साथ पीएससी पैरामिलिट्री फोर्स पैदल गश्त कर रहे हैं और यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग इस फैसले का स्वीकार कर रहे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। और अभी मैं अयोध्या से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे हूँ, मतलब जो गोंडा और अयोध्या जो बॉर्डर है यहाँ पर काफी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएससी लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई हुई है और प्रशासन के साथ साथ फायर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। अगर किसी भी तरह से कहीं से भी अगर कोई घटना आती है या अप्रिय घटना होती है तो तत्काल उसको सुविधा मुहैया कराया जाए। जी 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 जी। और सीएम के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? हाँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया था वो खुद ही कंट्रोल रूम से जो पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि किसी भी जिले में किसी भी अगर कहीं भी किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है, कहीं पे भी अगर कोई बवाल होता है तो प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है उन्होंने, जिला अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पूरी छूट दे रखी है कि वो अपने स्तर से पूरे मामले को हैंडल कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी से या किसी भी कर्मचारी से या चाहे कोई समाज का हो, चाहे कोई प्रशासनिक हो, चाहे कोई देश का आम नागरिक हो, मतलब सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कोई चूक नहीं लेना चाहती है। और 144 पर क्या अपडेट है? धारा 144 पर क्या अपडेट? धारा 144 लगी हुई है पूरे देश, कहीं भी बिना माननीय जब तक आपके पास कोर्ट से अगर आपके पास आदेश नहीं है तो आप कोई मीटिंग सेमिनार नहीं कर सकते हैं। धारा 144 ये पूर्ण रूप से लागू की गई है, जिलाधिकारी महोदय भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी महोदय भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बगल में ही बलरामपुर और बहराइच और जनपद श्रावस्ती जो नेपाल बॉर्डर वर्क पे पड़ता है उसको देखते हुए भी मतलब किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी ना आए, प्रशासन पूरी तरह से मतलब मुस्तैद है। किसी भी तरह की अगर कहीं से कोई अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन उससे पूरी तरह से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी आपका चैनल से जुड़ने के लिए। हम वापस आपके पास पहुंचेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी से हमारे संवाददाता अमरेश प्रजापति। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरेश प्रजापति का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो गुंबद वहां पर प्राप्त हुआ है उसमें जो चबूतरा है उसी को भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया गया तथा कहा गया है कि वहां पर राम जन्मभूमि स्थान और सीता रसोई के प्रमाण मिले हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दिए जा चुके हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिल्ली से हमारे साथ आनंद प्रकाश जुड़ चुके हैं। तो आज जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है
उस पर दिल्ली में क्या प्रतिक्रिया है और क्या माहौल है वहां पे? जी सर, सब कुछ शांतिप्रिय है और शासन प्रशासन की बहुत कड़ी व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन सभी के अंदर देखने को इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है और जी बहुत जी ही जी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि एक ऐतिहासिक दिन आज के लिए इतिहास में दर्ज हुआ है। तो काफी लंबे समय से मुद्दा पेंडिंग था और जी सभी जी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं सर, तो बहुत मतलब अच्छा है और शांतिप्रिय माहौल है, कोई ऐसी कहीं माहौल ऐसा बिगड़ता नजर नहीं आ रहा है। जी और कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर क्या अपडेट्स हैं? जी सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या अपडेट्स हैं? कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जी हुए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से और हर तरीके से फोर्स तैनात है, लेकिन शांतिप्रिय माहौल है तो फोर्सें भी ऐसे गश्तों पर निकली हुई है, माहौल शांतिप्रिय है। जी प्राइम न्यूज 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता दिल्ली से आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश को दिल्ली से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए यह कहा, 1857 से पहले भी वहां पर हिंदू पूजा करते थे और भारत का पुरातत्व विभाग सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी इस पर सबूत दे चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर और शिया बोर्ड और अन्य सुन्नी बोर्ड का दावा भी मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि वो अपना दावा साबित नहीं कर पाया। और साथ में पुरातत्व विभाग ने कहा कि भगवान श्री राम के जन्म के पुख्ता और प्रमाण सबूत पर्याप्त मात्रा में मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता अश्विनी दाने हमसे जुड़ चुके हैं और इसी के साथ एमपी से हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। तो अश्विनी बताइए कि जो राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, उस पर क्या माहौल है एमपी में? यहाँ एमपी में बहुत बढ़िया माहौल है, सभी जी। पक्ष बहुत खुश है, आनंदित है, सभी एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। जी, बहुत जी। बड़ा शांति का माहौल हमारे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जी जी तो वहां पर क्या 144 लागू की गई है? हाँ, मध्य प्रदेश में 144 लागू है और शांति भी है और सभी यहाँ पर बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने फैसले का स्वागत भी किया है, स्कूल कॉलेज सभी बंद है। जी जी और कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर क्या अपडेट्स हैं? कानून व्यवस्था भी शांति है, चौराहे पर भी पुलिस प्रशासन का निगरानी है और व्यवस्था बहुत दुरुस्त है यहाँ पर। जी जी धन्यवाद अश्विन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। बिल्कुल धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश से अश्विनी दाने का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया था वो बिल्कुल गलत है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन को अब किसी भागों में नहीं बांटा जाएगा, यह रामलला विराजमान को सौंपा जाएगा। और साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार 3 महीनों के अंदर एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और कई राज्यों से आने वाली प्रतिक्रियाओं से यह साफ साबित होता है कि सभी लोगों ने इसका सम्मान किया है, लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण इस फैसले का स्वागत किया है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि लंबे समय से चलते आ रहे इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा दिया है। अब आगे बढ़ने के लिए राजस्थान से हमारे संवाददाता मनीष सेवक हमसे जुड़ चुके हैं और इसी के साथ राजस्थान से हमारे संवाददाता मनीष सेवक जुड़ चुके हैं। तो हम जानेंगे कि राजस्थान में राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले को लेकर क्या अपडेट्स हैं और क्या माहौल है। मनीष सर बताइए वहां पर क्या अपडेट्स हैं। सर राजस्थान के सभी 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 जिलों में कलेक्टर द्वारा राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और फैसले को लेकर सभी धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर सुबह सभी कलेक्टरों द्वारा शांति वार्ता शुरू कर दी गई है और सभी को सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की है सभी प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और इन्होंने इस सभी जो भी फैसला आया है उस पर ये यहाँ पर यह कहा गया है कि शांतिपूर्ण पूर्ण रूप से बनाए रखनी है और सभी धर्मों द्वारा इसका इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया गया है। जी जी और 144 धारा 144 पर क्या अपडेट है मनीष?
सर राजस्थान में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है और धारा 144 जैसा माहौल नहीं है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस फैसले का स्वागत किया गया है, धारा 144 लगाई गई है। और मुख्यमंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा तो इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया गया है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और इनको कहा गया है कि कहीं भी अशांति पूर्ण भरा माहौल नहीं होना चाहिए और प्रशासन को पूरी तरीके से इसमें अलर्ट कर दिया गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष राजस्थान से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपसे आप फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। धन्यवाद मनीष। राजस्थान से हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष सेवक का बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कहा है मुस्लिम अपना मालिकाना हक साबित नहीं करता और मुस्लिम पक्ष को मुख्य धारा से बाहर नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। साथ ही कहा कि अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन उनको कहीं और अलॉट की जाए। और इसी के साथ गुजरात से हमारे संवाददाता विपिन जोशी हमसे जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ गुजरात से हमारे सहयोगी विपिन जोशी जुड़ चुके हैं। तो बताइए विपिन, इस ऐतिहासिक फैसले पर गुजरात में क्या माहौल है और क्या अपडेट्स हैं? सर गुजरात में शांतिपूर्ण माहौल है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया है, गुजरात के सभी संप्रदाय के लोगों ने, उनको धार्मिक लोगों ने, सबने ये कहा है कि इस फैसले पे अमल किया है और उसका स्वागत किया है और शांतिपूर्ण माहौल है, यहाँ किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, मिलजुल के रहने की भावना जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी सख्त निर्देश पे किसी प्रकार की रैली वगैरह ये नहीं की जाए और उसका भी स्वागत किया गया है पुलिस प्रशासन का एवं जिला प्रशासन वगैरह का भी, सीएम का भी वगैरह का, सबका यहाँ लोगों ने सम्मान किया और शांतिपूर्ण लोगों ने खबर को देखा है और टीवी पे वगैरह पे जो खबर चल रही है उनसे भी उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है कि वास्तविक सौहार्दपूर्ण रहा है और इसका सभी ने स्वागत किया है, सभी समुदाय के लोगों ने, और उनका कोर्ट का मेन चीज ये है मुद्दा कि सभी ने इनका स्वागत किया है। जी जी, तो सभी ने इसका स्वागत किया है। हाँ, सभी ने जो निर्णय आया है उस निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। जी जी, धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये गुजरात से हमारे संवाददाता विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। गुजरात से हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पूरे देश भर में जो प्रतिक्रिया आ रही है और आपने प्राइम मिनिस्टर 24 के तरफ से जो जाना वो यही था कि सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है, सभी पक्ष इससे खुश हैं और सभी ने इसको एक बहुत ही लंबे अरसे से चले आ रहे सिरदर्द को खत्म करने जैसा माना है, क्योंकि सरकार तो मंदिर नहीं बनवा पा रही थी लेकिन राम ने कईयों की सरकार बनाई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कई मायनों में ये भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण के अंत की राजनीति है और ये तुष्टिकरण के अंत का फैसला है। तो इसी के साथ 9 नवंबर 2019 की यह तारीख लोगों के दिलों में हर्षोल्लास और एक नया उमंग, एक उत्सव की तरह लेकर के आई है। सभी लोग इससे खुश हैं, सभी की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आ रही हैं और प्राइम न्यूज़ 24 सबसे ये अपील करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये फैसला दिया है, शांति बनाए रखें, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने वाले जो भी मापदंड हैं उनसे दूर रहें, ये देश एक देश श्रेष्ठ देश बने, ऐसी हम सबकी कामना है। जय हिंद, जय भारत।